गोविंदगढ़ कस्बे में चंबल के पानी को अलवर जिले में लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भगत सिंह सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया गया और उपखंड अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार चंबल के पानी की योजना को लाने में नाकामयाब रही है और चंबल के पानी के नहीं आने से यहां की जनता को प्यासा मरना पड़ रहा है। जमीन के नीचे पानी नहीं है और अलवर भरतपुर सहित अन्य राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व में वसुंधरा सरकार और वर्तमान में गहलोत सरकार ने ही विधानसभा में इसे लेकर बार बार घोषणा की थी, लेकिन इसको अल्मीजामा नहीं पहनाया गया। केंद्र सरकार भी मूक दर्शक बनी हुई है और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। जिले के पदाधिकारी जिला सचिव जगदीश शर्मा एवं शिव नारायण ने बताया कि हमारा यह अभियान जिले की हर तहसील में चलेगा और सभी विधानसभाओं में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में भी इसी कार्य को लेकर आज यहां कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। भगत सिंह सर्किल पर धरना देने के बाद पुरुषोत्तम राज के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में कामरेड बोलाराम, किशोर चंद, अमर चंद, वजीर चंद, मुंशी राम, राम सिंह, रमेश चंद्र, टुंडी खान, इस्लाम खान, हनीफ खान सहित सभी कामरेड सदस्य मौजूद रहे। में पिछले दो दशक से पानी की बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। अलवर डार्क जोन में है और अलवर शहर ही नहीं, अलवर शहर में तो नित्य प्रति आजकल किसी न किसी कॉलोनी के लोग जाते हैं और अपनी मटकियां तोड़ते हैं और ज्ञापन देते हैं। कई मुकदमे पानी की समस्या को लेकर जनता के ऊपर पुलिस ने बनाए दिए। पानी की मांग करने जाते हैं, उल्टे पुलिस की लाठियां खाते हैं और मुकदमे खेलते हैं। पानी की समस्या का हल आखिर हो कैसे, इसको राज्य सरकार ने भी महसूस किया है और वसुंधरा सरकार के समय भी वसुंधरा सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि चंबल का पानी अलवर में पहुंचाएंगे, लेकिन वो कागजी रहा। अब अशोक गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने भी विधानसभा में घोषणा की कि हम बजट भी रख रहे हैं और चंबल का पानी अलवर में पहुंचाएंगे। विशेष करके जो शहर ये आपका गोविंदगढ़ है, फ्लोराइड की समस्या से बुरी तरह ग्रस्त है। यहाँ के लोगों की हड्डियां और विशेषकर दांतों में बहुत सारे रोग अधिक फ्लोराइड की वजह से हो रहे हैं और इसका हल ये है कि पानी शुद्ध अगर होगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। गोविंदगढ़ का लक्ष्मणगढ़ में खारा पानी है नहीं और जैसा भी है वो खारा है। ऐसी स्थिति में अलवर जिले में जगह जगह अनेक तरह की प्रॉब्लम है और उसका एक ही हल है, वो है चंबल का पानी। और वो चंबल का पानी जो हर साल लाखों क्यूब जो है समुद्र में वापिस जाकर के मिल जाता है, उस पानी को बूस्टर प्रणाली से अलवर की तमाम तहसीलों में और अलवर शहर में भेजा जाए ताकि पीने की समस्या का और धरती की प्यास दोनों का सॉल्यूशन किया जा सकता हो और हमारी खेत और खलियान और हरियाली के साथ में अधिक उत्पादन देकर के देश का जो है आय को बढ़ाएंगे। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती और पानी जीवन की समस्या है, इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू किया जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि चंबल का पानी अलवर में लाने के लिए आंदोलन करेगी और उसी सिलसिले में 25 अप्रैल को अलवर में, फिर राजगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में, रामगढ़ में धरने दिए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं और ज्ञापन भी दिया गया है। आज यहाँ गोविंदगढ़ में यह ज्ञापन दिया जाएगा और धरना यहाँ जारी है। इसके बाद 12 तारीख को तिजारा में धरना दिया जाएगा।